काफी मतलब इजी क्वेश्चन था बट और मैं वो तीनों सिली मिस्टेक का रीजन मेरे चौथे क्वेश्चन का देता हूँ। एग्जाम देने के टाइम एक्सपेरिमेंट नहीं करना है जो कहाँ से आया। हमने सोचा कि कोई बात नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर वो चीज आई तो मुझे लगा कि दोनों ऑप्शन करेक्ट है और एनटीए दोनों में से दोनों दे देगा। पूरी इतनी ज्यादा गट फीलिंग हुई कि काइनोडर्मेटा ही है। मेरे तीन सवाल गलत थे उसमें से एक केमिस्ट्री में था वो काफी मतलब इजी क्वेश्चन था बट मैंने वहाँ पे ज्यादा ओवरथिंक कर लिया कि एनटीए वाले ये सोचकर आंसर देंगे कि क्वेश्चन मतलब मैं ज्यादा उसमें सोचा कि वो एनटीए वाले क्या सोचेंगे इस क्वेश्चन पे जबकि उसको नॉर्मली कोई भी सॉल्व करे तो लगभग सारे बच्चों का वो क्वेश्चन सही है। और बाकी दो मेरे फिजिक्स में गलत थे और उसमें दोनों ही मतलब काफी सिली थे। एक तो वो एक्सरे वाला ही था और एक कार्बन वो रेजिस्टर की कलर कोडिंग होती है वो मेरा एक गलत था। मतलब आपको मेरा ये एक एडवाइस है कि आपके जब मेजर या माइनर्स में जब भी क्वेश्चन गलत होते हैं सिली होते हैं तो आप ये ना सोचो कि मतलब इसको इग्नोर मत करो और ये मत सोचो कि आप इसको नीट में तो ठीक कर ही लोगे। ऐसा नहीं होता है। आपको हर टेस्ट में कोशिश करना है कम से कम हो। ये नहीं कि यहाँ गलत हो रहा है कोई नहीं हम तो नीट में ठीक कर ही लेंगे। वो नहीं होता है। मतलब मैंने अपने माइनर में भी यही करता था मेरे गलत हो रहे ठीक है कोई नहीं हो तो नीट में ठीक हो ही जाएगा बट वो कहीं ना कहीं नीट में वो होने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं तो इसलिए उसको शुरू से ही सिली मिस्टेक्स को हटाने की कोशिश करते रहना चाहिए। मेरे जैसे जो चार क्वेश्चन गलत थे उसमें तीन सिली मिस्टेक थे और मैं वो तीनों सिली मिस्टेक का रीज़न मेरे चौथे क्वेश्चन का देता हूँ जो था हीलियम वाला क्वेश्चन जो मेरा पहले जो आंसर किया थी उससे सही था बाद में करेक्ट गलत हो गया। तो एक मैं जो इसमें बोलूँगा कि जैसे शिव ने बोला कि हमको जो भी चीज़ पेपर में करनी है उसकी प्रैक्टिस पहले से होनी चाहिए। जैसे मेरे दो साल की जर्नी में हो सकता है दो साल की जर्नी में मैंने दो क्वेश्चन ही छोड़े हो पूरे जितने पेपर हुए तो ये बात मुझे लगती है कि आप ऐसा मत करिएगा। उस हीलियम वाले क्वेश्चन अकेले के चक्कर में मैंने आधे घंटे बैठ के सोचता रहा कि हवा में सोच रहा हूँ कि कहीं से तो हीलियम उड़ के कहीं से तो आंसर मिल ही जाएगा कि क्या करना चाहिए एनटीए क्या मार्क करेगा। तो आप कोशिश करें कि आपके पेपर जब भी हो ना कोई भी अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन है आप प्लीज़ एक आदत डालें कि मैं वो क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ने की खुद में विल पावर रखूँ। ये नहीं कि मेरे को एक क्वेश्चन के पीछे लड़ता रहूँ और उस एक क्वेश्चन के पीछे मैं तीन क्वेश्चन गलत करके आप मेरी तरह गलती रिपीट ना करें। आते हुए जो क्वेश्चन है उसमें एग्ज़ाम देने के टाइम एक्सपेरिमेंट नहीं करना है जो कहाँ से आया कि एग्जामिनर कौन क्या सोच के दिया है। जो आते हुए क्वेश्चन है उसमें फास्ट थॉट जो आएगा मन में वही सही होगा। उसमें अगर ओवर थिंकिंग होगा तो वो गलत होने का चांस ज़्यादा है। तो इसी वजह से मेरा एक एसासन का सवाल था बायोलॉजी में वो गलत हो गया। और एक नीट का सिलेबस का हर एक टॉपिक मतलब अच्छे से आना चाहिए। मेरा एक्सरे वाला फिजिक्स का जो टॉपिक था वो मेरा छूट गया मैंने नहीं पढ़ा वो लेस इंपॉर्टेंट था लेकिन इस साल वही से क्वेश्चन आ गया जैसे यूनिट एंड डायमेंड से आते ऐसे ही करके नीट सिलेबस का हर एक टॉपिक आना चाहिए क्योंकि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आने का 100% पॉसिबिलिटी है। जैसा अभी बोला उसमें इग्नोरेंस आप मैंने भी एक्सरे वाला क्वेश्चन गलत किया। उसमें हमने मेन जो गलती थी वो थी इग्नोरेंस। हमने सोचा कि कोई बात नहीं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है पर वो चीज़ आई तो जो पॉसिबिलिटी है वो है ही सही। और इग्नोरेंस आप एग्ज़ाम में भी ना रखें। कभी कभार अंदर से लगता है कि नहीं कुछ गड़बड़ है गलत तो कर रहा हूँ लेकिन टाइम नहीं है तो आपने उसको जल्दी में अटेम्प्ट कर दिया। लेकिन ऐसा ना करें। जब तक आपको लगता है कि आपने सही नहीं किया है उसको फिल ना करें और कोशिश करें कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो उसे या तो अटेम्प्ट ना करें और अगर करें तो आपको उसकी श्योरिटी हो। अगर आपको 80% भी होती है तो ठीक है पूरी श्योरिटी कभी कभार नहीं होती लेकिन थोड़ी बहुत होनी चाहिए। अगर कभी आपको लगता है कि दो ऑप्शन सही हैं और इसमें से कोई भी एक हो सकता है तो मेरी तरफ से मैं चाहूँगा उसे अटेम्प्ट ना करें। मेरा फिजिक्स का एक्सरे वाला ही गलत हुआ है और केमिस्ट्री का वो स्टेबिलिटी का जो था इंडियम का क्वेश्चन उसमें मैं यही कहूँगी कि ऐसे जब कंट्रोवर्शियल थोड़े क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें दो आंसर सही लगते हैं तो उस टाइम हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। तो मुझे लगा कि दोनों ऑप्शन करेक्ट है और एनटीए दोनों में से दोनों दे देगा तो मतलब मुझे उस टाइम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जाना चाहिए था ऐसा मुझे लगता है। मेरे टोटल 3 क्वेश्चंस गलत हुए हैं तो 2 फिजिक्स में गलत है और 1 बायो में गलत है। तो जो बायो में गलत था जैसे एआरबी आए थे तो वो गलत नहीं हुए क्योंकि मैंने उनको टाइम दिया क्योंकि आई न्यू कि एआर जो होते हैं उनमें बहुत पेस मेंटेन करके पीस मेंटेन करके उनको बहुत ध्यान से सॉल्व करना होता है। जो मेरा गलत हुआ वो सिंगल लाइन क्वेश्चन था उसमें नॉट भी था मैंने नॉट भी पढ़ा मैंने क्वेश्चन भी पढ़ा लेकिन मैंने उस क्वेश्चन को सही तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया उसको कॉम्प्रीहेंड गलत किया तो गलत को आंसर मार्क कर दिया। जैसे इनपुट गलत होता है तो आउटपुट भी गलत ही आता है
कंप्यूटर में. और वैसा भी होता है कि हम उन्हें आजकल क्या हो गया है कि एग्जामिनर्स को पता है कि बच्चों के माइंड में जब भी रेडियल सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्री का आता है तो हमेशा एक्सेप्शन इकाइनोडर्माटा होता है. मेरा एक और कोइंसिडेंस था कि मेरे वाले कोड में इकाइनोडर्माटा वॉज ऑन द फर्स्ट ऑप्शन. सो मैंने एक गलती तो ये की कि सारे ऑप्शन देखे नहीं. पूरी इतनी ज़्यादा गट फीलिंग हुई कि इकाइनोडर्माटा ही है और रेडियल सिमेट्री को बायलेटरल सिमेट्री कंप्रीहेंड कर लिया उसमें. और उस क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चंस को मैंने रीचेक किया. सिर्फ उस एक क्वेश्चन पे इतना कॉन्फिडेंस था कि ये मेरा कभी गलत नहीं होगा. और बाद में पता चला कि भाई ये तो गलत हो गया है. तो आजकल क्या है कि क्वेश्चन सही होने से आपकी रैंक नहीं आ रही है. क्वेश्चन गलत हो जो आपको आता है वो गलत होने से आपकी रैंक चली जाती है. सो आपको यहाँ जो भी पढ़ाया जाएगा एलन में वो मोर देन इनफ है. तो आपको वो रिवाइज करना है और उस पर भरोसा रख के पेपर जब भी दोगे तो उस पर ये देखो कि जितना मुझे आता है इज मोर देन इनफ एंड आई हैव टू गिव ऑल दैट इन माई एग्जाम. तो आपका सब सही हो जाएगा.